हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज हम डिस्कस करेंगे फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड और इंटरनेशनल बिजनेस। इन द प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स वी हैड कवर्ड अबाउट द मर्केंटलिज्म थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड, कंपैरेटिव कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी और एब्सोल्यूट कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी और इट इज़ ऑल्सो नोन एज हैच-ओलिन थ्योरी। लेट्स स्टार्ट द टॉपिक शुरू करते हैं। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी एंड फोकस ऑन हाउ अ कंट्री कुड गेन कंपेरेटिव एडवांटेज बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट। ठीक है, अब इस थ्योरी का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन पे बेस्ड है कि अगर कोई भी एक कंट्री किसी भी गुड को प्रोड्यूस कर रही है तो उसमें कौन कौन से फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन वो यूज कर रही है और वहां पे उसको किसी भी एक फैक्टर प्रोडक्शन के लिए क्या एडवांटेज मिल रहा है अगर वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन उसको चीपली उसको मिल पा रहा है, तो वो यहाँ पे हम बात करें। जैसे हम किसी भी गुड्स के फैक्टर प्रोडक्शन की बात करें तो वहाँ पे हम बात करते हैं कि लेबर है, ठीक है, रॉ मटेरियल जो भी हम मंगवा रहे हैं वो सारी चीज़ें, मैन मशीन, तो ये सारे क्या हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होते हैं। अगर किसी भी एक कंट्री को अगर ये फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चीप वे में मिल रहे हैं तो उसके लिए कंपेरेटिव एडवांटेज है। जैसे सपोज हम बात करते हैं इंडिया की, अब इंडिया में क्या है, इंडिया क्या है, लेबर इंटेंसिव बात करें तो इंडिया में क्या है, जो फैक्टर प्रोडक्शन लेबर है वो चीप है, ठीक है, तो इंडिया क्या कर सकती है, इंडिया इसका एक कंपेरेटिव एडवांटेज गेन कर सकती है अपने प्रोडक्शन में, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। तो ये थ्योरी भी यही कह रही है कि अगर आप किसी भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कंपेरेटिव एडवांटेज गेन करते हो तो वहाँ पे आपका बिजनेस आपको वहाँ पे बेनिफिट हो सकता है और आप अच्छे से उस गुड्स को दूसरी कंट्री का प्रोड्यूस कर सकते हो, ठीक है। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में कंपेरेटिव एडवांटेज गेन करके आप ज़्यादा से ज़्यादा गुड्स दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, तो वो कॉन्सेप्ट इस थ्योरी में दिया गया और इस थ्योरी में यही बताया गया, फोकस ऑन हाउ अ कंट्री कुड गेन कंपेरेटिव एडवांटेज बाय प्रोड्यूसिंग प्रोडक्ट दैट यूटिलाइज फैक्टर दैट वर इन अबेंडेंस इन द कंट्री। थ्योरी इज बेस्ड ऑन कंट्री प्रोडक्शन फैक्टर, लैंड, लेबर, कैपिटल विच प्रोवाइड द फंड्स इन प्लांट्स एंड इक्विपमेंट। ठीक है, अब जो ये जो थ्योरी है फैक्टर प्रोपोजिशन थ्योरी की, ये बेस्ड है किस पे, कंट्री प्रोडक्शन फैक्टर, जिसकी हम बात कर रहे हैं लेबर, जो प्रोडक्शन फैक्टर होते हैं उसमें हम बात करते हैं लेबर की, लैंड की, कैपिटल की, एट्सेट्रा, जो भी और अदर्स होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, अगर हमें इनमें से कोई भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन चीप वे में मिल रहा है तो वहाँ पे हमारा क्या है, एक कंपेरेटिव, दूसरों के कंपेरेटिव हम एडवांटेज को गेन कर सकते हैं। जैसे हम बात करते हैं इंडिया की, इंडिया में क्या है, लेबर चीप है, ठीक है, तो यहाँ पे हम इस तरीके से एक कंपेरेटिव एडवांटेज को गेन करते हुए अपना ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करके और वो जो भी हम गुड्स हैं वो दूसरी कंट्री को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमें एक एडवांटेज ये मिल रहा है कि हम चीप वे में हमें लेबर मिल पा रही है, ठीक है, तो वो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी स्टेटेड दैट कंट्री वुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट गुड्स, ठीक है, दैट रिक्वायर्ड फैक्टर्स दैट वर कंट्रास्ट कंट्री वुड इम्पोर्ट गुड्स दैट रिक्वायर्ड रिसोर्सेज दैट वर इन शॉर्ट सप्लाई बट हायर डिमांड। तो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन को हम इस तरीके से यूज कर रहे हैं कि हम उसको प्रॉपरली जो भी हमें मार्केट से डिमांड, जो भी हमारी डिमांड आ रही है उसको हम सेटिस्फाई करने के लिए, जो भी हमारा एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दूसरों के कंपेरेटिव जहाँ हम एडवांटेज गेन कर रहे हैं उसको वहां पर हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। This theory stated that factor proportion theory stated that countries would produce and export goods that required factors. ठीक है, अब countries क्या कर रही हैं, countries यहाँ पे advantage gain कर रही हैं, वो क्या कर रही हैं, production कर रही हैं और export कर रही हैं goods को, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें import की, तो अगर market में demand है लेकिन हम उस demand के हिसाब से हमारी supply properly नहीं है या फिर वहाँ पे हम एक फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन के एडवांटेज को गेन नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, तो उस केस में हमें वो गुड्स दूसरे देशों से इम्पोर्ट करना है,
ठीक है। लेकिन अगर हम बात करें फैक्टर प्रोपोजिशन में एक्सपोर्ट की, तो फैक्टर प्रोपोजिशन थ्योरी स्टेटेड दैट कंट्री वुड प्रोड्यूस एंड एक्सपोर्ट गुड्स दैट एक्वायर्ड फैक्टर, ठीक है। जिस भी फैक्टर्स की वजह से हमारे प्रोडक्शन में हमें बेनिफिट गेन हो रहा है, तो वहाँ पे हम उसको एक्सपोर्ट कर सकते हैं, उसको उस गुड्स को प्रॉपरली प्रोड्यूस करके अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो यानी कि हमने यहाँ पे क्या करा, एक दूसरों के कंपैरेटिव एक एडवांटेज को गेन कर लिया, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास जो एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो लेबर है वो चीप वे में अवेलेबल है। तो यही थ्योरी बताती है फैक्टर ऑफ प्रोपोर्शन थ्योरी, ठीक है। और जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इंडिया हैज चीप फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन दैट इज लेबर, सो इन इंडिया गारमेंट टेक्सटाइल इंडस्ट्री प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल एक्सपोर्ट टू अदर कंट्रीज, ठीक है। अब इंडिया में क्या है, इंडिया की बात करें तो इंडिया में जो लेबर है, लेबर क्या है, एक चीपेस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन अवेलेबल है। तो इंडिया में जो भी इंडस्ट्री, जो भी गारमेंट इंडस्ट्री है, वहाँ पे वो अच्छे से प्रोडक्शन करके इंडिया क्या कर रहा है, दूसरे देशों को एक्सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। इसी का जैसे एग्जांपल हम यहाँ पे कोट सकते हैं चाइना का। तो बहुत सारे ऐसे चाइनीज आइटम भी हैं जो चाइना अदर कंट्रीज को एक्सपोर्ट कर रही है। अगर हम इलेक्ट्रॉनिक्स में बात करें, या सेम वे इंडिया की तरह अगर हम टेक्सटाइल में बात कर रहे हैं, तो दोनों ही वे में इंडिया के पास चीपेस्ट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन यानी कि लेबर है, और वहाँ पे वो उसको एक एडवांटेज की तरह यूज करके, ठीक है, कंपैरेटिव दूसरे देशों के कंपैरेटिवली प्रॉपरली यूज करके वहाँ पे जो भी गुड्स हैं उसको प्रॉपरली प्रोड्यूस करके दूसरे देशों को एक्सपोर्ट चाइना करता है। तो ये एक एडवांटेज हो गया, और ये थ्योरी है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल बिजनेस। यानी कि इस थ्योरी में भी हम बात कर रहे हैं कि अगर जिस भी वे में, जैसे सपोज हमने बात की थी कॉस्ट एडवांटेज थ्योरी की, तो अगर हम जो भी हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल हैं वहाँ पे हमें हमारा जिन भी चीज़ में स्पेशलाइजेशन है वहाँ पे उस स्पेशलाइजेशन को हम स्पेशलाइज्ड गुड को प्रोड्यूस करके दूसरे देशों को भेज सकते हैं। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की, ठीक है। तो यहाँ पे हमने जो एडवांटेज गेन किया है वो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में किया है। जैसे कि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं इंडिया की, इंडिया का फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि लेबर है वो चीप है, उसने वहाँ पे एडवांटेज गेन करते हुए प्रॉपरली गुड्स को प्रोड्यूस किया और वो दूसरे देशों को एक्सपोर्ट किया। तो ये थ्योरी है फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। सिंपल थ्योरी है, वेरी इजी है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट थ्योरी है। अगर मैं बात करूँ मर्केंटलिज्म थ्योरी की, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी की, या फिर न्यू मॉडर्न थ्योरी ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड जो कि मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करूंगा, तीनों ही थ्योरी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जिसमें हम बात कर रहे हैं इंटरनेशनल ट्रेड और बिजनेस की, कि किस तरीके से हम एक पर्टिकुलर लाइन में या फिर एक पर्टिकुलर फैक्टर किसी भी एक एरिया में एडवांटेज गेन करते हुए अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करते हुए गुड्स को एक्सपोर्ट कर सकते हैं और इंटरनेशनल बिजनेस में इन्वॉल्व हो सकते हैं। तो वो हमने बात करी किसने, फैक्टर प्रोपोर्शन थ्योरी। तो मेन सिंपल कॉन्सेप्ट क्या है, अगर ये थ्योरी एग्जाम में आती है तो आपको बस सिंपली इसके फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन के बारे में लिखना है और बताना है कि वहाँ पे हम किसी भी एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन जो कि हमारे लिए चीप है, ठीक है, हमारे इंडिया में चीप अवेलेबल है, उसको प्रॉपरली हम यूज करके एक्सपोर्ट कर सकते हैं और वहाँ पे दूसरों के कंपेरेटिव एडवांटेज को गेन कर सकते हैं।